मथुरा पुलिस की रेडियो शाखा में तैनात एक उपनिरीक्षक की मौत हो गई जो काफी लंबे समय से बीमारी से पीड़ित थे। मथुरा जनपद की पुलिस विभाग में तैनात 55 वर्षीय लालता प्रसाद शर्मा उपनिरीक्षक पिछले 25 साल से विभाग के रेडियो शाखा में आरएसओ पद पर तैनात थे। पिछले काफी समय से दिमागी कैंसर से ग्रस्त थे, जिनका इलाज चल रहा था। लगभग एक माह पहले इनका रोग संबंध ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद उपनिरीक्षक लालता प्रसाद शर्मा घर पर ही बीमारी की अवस्था में थे। शनिवार की सुबह अंतिम सांस ली। मामला विभागीय सरकारी कर्मचारी का होने पर उनके सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस विभाग के अधिकारियों ने अंतिम सलामी दी और घटना के बारे में उनके बेटे मनीष शर्मा ने समाचार 24 को जानकारी दी। अंकुश वर्मा, मथुरा, समाचार 24। इनका नाम श्री लालता प्रसाद शर्मा था। ये अभी डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम में आरएसआई स्टोर के पद पे थे और अभी इनका 16 तारीख को ये एडमिट हुए थे रेनबो हॉस्पिटल आगरा में और 18 तारीख को इनका बड़ा ब्रेन सर्जरी हुआ था और आज सुबह ही इनका जो है शरीर शांत हो गया। पुलिस लाइन? हाँ, पुलिस लाइन। तो बीमार चल रहे थे काफी समय? हाँ। कितनी उम्र थी? इनकी उम्र लगभग 55-56। आराम के दौरान? आराम के दौरान। हाँ। कितने दिन इलाज लगभग हो गया, मतलब 1.5-2 साल हो गया इलाज को चलते हुए। यहीं के मथुरा के निवासी हैं, मथुरा सिविल लाइन 32 सिविल लाइन के निवासी। जीडी विभाग का चला? नहीं नहीं, जीडी विभाग नहीं, रेडियो डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम। हाँ, रेडियो विभाग में। मथुरा के मां के